मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग मोज एप्लीकेशन में अपना खुद का वीडियो किस प्रकार अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अदर कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन में आप लोग को वीडियो अपलोड करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं मोज एप्लीकेशन में। लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले आप लोग इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लीजिए, तब जाकर आप लोग वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आपको पहले जैसा यानी आपको टिकटॉक के जैसा मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं, इस एप्लीकेशन में आपको मोज एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगा, वीडियो डाउनलोड करने के बारे में भी बताऊंगा, पूरी जानकारी मिलेगा। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है घबराने का, टेंशन लेने का। बस आपको एक काम करना है कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और आप बस यहीं पे रहिए। और यहाँ पे सिंपली आप मौज एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद सिंपली मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मौज एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको वीडियो देखने का ऑप्शन आएगा। और जैसा कि अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तब आपको टिकटॉक के जैसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हूबहू। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको बीच में का आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा हो, सिंपली आप इस पर टैप करेंगे और आपका जहाँ भी वीडियो है, आपको खुद का वीडियो है, आप उस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। और वीडियो सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में देखिए, आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, नेक्स्ट वाले में टैप करेंगे। यहाँ पे आप लोग कुछ भी हैशटैग लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली हैशटैग लगा देता हूँ न्यू वीडियो। जैसा कि मैं यहाँ पे सिंपली हैशटैग लगा देता हूँ न्यू वीडियो, न्यू वीडियो हैशटैग लगाने के बाद यहाँ पे फिर से देखिए क्रिएट पोस्ट पे आपको टैप करना है। और मैंने यहाँ पे सिंपली क्रिएट पोस्ट पे टैप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना मोज एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली अब देखता हूँ कि मेरा वीडियो अपलोड हुआ या नहीं हुआ। मैं सिंपली अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आता हूँ। प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आने के बाद जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा खुद का वीडियो अपलोड हो चुका है, जी हाँ, आप लोग के सामने। तो मैं यहाँ पे सिंपली देखिए अपने वीडियो को लाइक भी कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी अपने वीडियो को लाइक किया। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल में अभी एक वीडियो शो हो रहा है। इस प्रकार से आप लोग अपने मोज एप्लीकेशन में खुद का वीडियो अपलोड कर सकते हैं और आप कोई भी अदर वीडियो को यहाँ से आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को डाउनलोड कहाँ से करना है मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। शेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे और व्हाट्सअप का ऑप्शन मिलेगा, या तो आप अदर कहीं भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी कहीं नहीं करूँगा। सिंपली आपको यहाँ पे व्हाट्सअप वाले बटन पे टैप करना है। व्हाट्सअप में जाने के बाद सिंपली आपको करना है क्या, मैं वो बता देता हूँ। आप जिस फ्रेंड को आप शेयर करना चाहते हैं उस फ्रेंड को आप यहाँ पे सिंपली शेयर कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये जाकर आपका गैलरी में भी सेव हो जाएगा। इसके बाद भी सिंपली चले आना है मोज एप्लीकेशन में, जैसा कि मैं यहाँ पे सिंपली मोज एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। और यहाँ पे आप किसी भी वीडियो को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार आप लोग मौज एप्लीकेशन में अपना खुद का वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। और आप लोग और करना क्या कि आप लोग जाइए वीडियो अपलोड कीजिए। और आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड फैमिली को पता चले कि मौज एप्लीकेशन में आप लोग किस प्रकार से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इस तरह के वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।